चपेट में आने से लाखों के सामान जलकर खाक। घटना मुंबरा के किस्मत कॉलोनी स्थित थाने के पूर्व महापौर नईम खान के बंगले के नीचे दुकान में आग लगी। आग लगने के कारण हाल में रखे घरेलू उपयोग का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की यह घटना बुधवार को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की है। जानकारी मिलते ही थाने मनपा का दमकल विभाग पहुंच गया, आग पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया। उक्त जानकारी स्वयं नईम खान ने दी। मुंबरा से यूसुफपुरी की रिपोर्ट। ये एक्चुअली हम लोग सब सो रहे थे और रात के 3 बजे नीचू वो पानीपुरी वाला है, उसके शॉर्ट सर्किट के अंदर आग पकड़ने के बाद वो आग ज़्यादा बढ़ गई। इतने में फायर ब्रिगेड भी आ गए, लेकिन इसके आदमियों को उठाना तो ये लेट हो गया, शटर खुल नहीं रहा। फिर शटर वटर तोड़ के इन्होंने खोल के अंदर बुझाया, लेकिन उसमें हमारा पूरी अंगा जो है फर्स्ट फ्लोर तक लगा गया। मेरे हॉल का पूरा फर्नीचर, टीवी, एसी सब खत्म हो गया, जल गया। वुडिंग फ्लोरिंग की वो पकड़ ली, आपका सोफा सेट ये वो सब एनवायरमेंट पकड़ लिया, नुकसान काफ़ी हो गया। सर कल रात 3:35 में हमें एक वर्दी आई कि मिराज मंजिल के नीचे माजी महापौर जो नईम खान सर हैं उनके नीचे रफीक फास्ट फूड करके दुकान, उसमें आग लगी है। उस दुकान पे तुरंत हमने हमारे जो सब ऑफिसर हैं खेताड़े साहब उनको वहाँ पे भेजा गया। वो एक टैंकर, एक फायर वार्नर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अंदाजे आधे घंटे में उधर सब आग बुझाई गई, उसमें कोई जीवित वित्तीय हानि नहीं है और सब आग बुझा के 1 घंटे के अंदर वो वापस आ गए।